दोस्तों जब हम YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते समय वीडियो की डिटेल में हमें एक ऑप्शन मिलता है ऑडियंस सेक्शन में मेड फॉर किड्स। और फ्रेंड्स ये मेड फॉर किड्स का जो ऑप्शन है इसे आप YouTube चैनल की सेटिंग्स में भी देख सकते हैं, YouTube चैनल की सेटिंग में भी होता है और जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तब भी आपको यह ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मेड फॉर किड्स के बारे में ही बताऊंगा कि फ्रेंड्स इसकी सेटिंग कैसे करनी है और इसकी सेटिंग कब किस प्रकार से होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो सेटिंग है मेड फॉर किड्स की यह अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से होती है। तो दोस्तों आपका चैनल किस कैटेगरी का है और किसके लिए है उसी के हिसाब से फ्रेंड्स यह सेटिंग की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस सेटिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं रियल टेक हेल्प। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मेड फॉर किड्स की सेटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लिया है। लेफ्ट साइड नीचे कोने में हमें सेटिंग का आइकन मिल जाता है, इस पर हमें क्लिक करना है। देखिए सेटिंग हमारे सामने इस प्रकार से आ जाएगी। तो दूसरा वाला ऑप्शन चैनल मिल जाता है, इस पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद राइट साइड कुछ टैप्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमें एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ऑडियंस सेटिंग हमारे सामने आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। इसमें हमें तीन ऑप्शन फ्रेंड्स मिल जाते हैं, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, आई ऑलवेज अपलोड कंटेंट दैट इज मेड फॉर चिल्ड्रंस। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कॉन्टेंट दैट्स मेड फॉर चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, तो फ्रेंड्स अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो यह सेटिंग हर वीडियो पर आपको करनी होगी। हर वीडियो पर जो भी वीडियो आप अपलोड करेंगे उस पर आपको इस सेटिंग को करना होगा। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड content that's मेड फॉर चिल्ड्रन। तो इसका मतलब है कि मैं अपने चैनल पर बच्चों के लिए जो कंटेंट मैं अपलोड करता हूं वो बच्चों के लिए नहीं है, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं वो बच्चों के लिए नहीं है। नो सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो यहां पर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका चैनल बच्चों के लिए नहीं है, आपके चैनल पर जो भी वीडियो है वो बच्चों के लिए नहीं है, तो दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जैसा कि यहाँ पर मैंने किया है दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट, क्योंकि मेरा चैनल बच्चों के लिए नहीं है, मेरा चैनल सभी के लिए है। उसके बाद के ऊपर पहला वाला जो ऑप्शन है यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, अगर आपका चैनल बच्चों के लिए है तो पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं, जो कंटेंट आप अपलोड करते हैं वो बच्चों के लिए है, तो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यह सेटिंग पूरी नहीं हुई है, चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए देखिए चलिए चलते हैं हम कॉन्टेंट में, कॉन्टेंट पर क्लिक करने के बाद हम किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ और एडिट पर क्लिक कर देता हूँ। एडिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स वीडियो की डिटेल हमारे सामने आ जाती है, तो हम थोड़ा नीचे आएंगे। यहां पर देखिए हमें यही सेटिंग मिल जाती है, नीचे आप देख सकते हैं यहां पर ऑडियंस सेटिंग हमारे सामने आ चुकी है। दिस वीडियो इज सेट टू नॉट मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पर मैंने सेटिंग की है कि यह वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है एज रेस्ट्रिक्शन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यह आपके सामने आ जाएगा, इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यस रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, दूसरा नो डोंट रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ओनली। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यदि आप यहाँ पर यस कर देते हैं, अगर आप यस कर देते हैं यहाँ पर मेड फॉर किड्स के लिए यस कर देते हैं, तो फ्रेंड्स यह नीचे वाली जो सेटिंग है यह अपने आप ही चली जाएगी। देखना अभी मैं यस कर देता हूँ, यस करने के बाद आप देख सकते हैं यह डिसेबल हो गई है, यह काम नहीं करेगी। आपका चैनल बच्चों के लिए है तो यह सेटिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि यह 18+ के लिए है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस सेटिंग को कैसे करना है नीचे। तो यहाँ पर यदि आपका चैनल बच्चों के लिए नहीं है तो आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक कर देना है, नीचे वाला जो ऑप्शन है, उसके बाद इस सेटिंग में आना है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए भी है, सभी के लिए है, आपके वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चों के लिए नुकसानदायक है या फिर बच्चों के लिए नहीं है, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है नो डोंट रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ओनली, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, जब आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके वीडियो सभी को दिखेंगे, बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो। अगर आप
पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यस रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद पहला वाला जो ऑप्शन है, यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके वीडियो केवल 18 प्लस लोगों को ही देखेंगे। जो लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको ही आपके वीडियो देखेंगे, इससे नीचे के जो बच्चे हैं या युवा हैं उनको यह वीडियो नहीं दिखेगा यदि आप ऐसी सेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अगर आपका चैनल बच्चों के लिए नहीं है तो ऊपर वाली सेटिंग में आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर देना है और नीचे नो डोंट रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो इस पर सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको सेटिंग को जो है वो सेव कर देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे वीडियो की सेटिंग पहले से ही है, चैनल की सेटिंग पहले से है, इसलिए सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके चैनल पर सही सेटिंग नहीं है तो सही सेटिंग कर लीजिए और सभी वीडियोस पर ऐसा ही कर लीजिए। और अगर आप मिक्स कंटेंट डालते हैं, अगर आप मिक्स कंटेंट डालते हैं बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, तो फ्रेंड्स आपको उन वीडियो के हिसाब से सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेड फॉर किड्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलता हूँ, फिर मिलूँगा अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।